अस्सलामुअलैकुम क्लास फोर, आज की वीडियो नंबर 1.2 है। हम पढ़ेंगे पेज नंबर 25 से लेकर 28 तक। बेटा इन पेजेस के बीच में भी कुछ वैसे ही क्वेश्चन आए हैं जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में समझाया, यानी 1.1 में समझाया सिंपल डिवीजन। लेकिन कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन थे जिनको मैं यहाँ पर समझाने वाला हूँ। सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो है वर्ड प्रॉब्लम, यानी इस तरह के वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन देखेंगे आपको। अब देखिए इन्हें सॉल्व कैसे करते हैं। पहले आप क्वेश्चन को पढ़ें। 16 children ran total of 9600 meters. How many meters each child ran? कह रहे 16 बच्चों ने मिलकर इतने मीटर रन किए, तो हर बच्चे ने कितना रन किया आपने ये बताना है। उन्होंने कहा है आप कंप्लीट स्टेटमेंट्स लिखिए। कंप्लीट स्टेटमेंट्स का मतलब ये कि जो चीज़ यहाँ लिखी हुई ना उसे अपने अल्फाज में वापस अच्छे से साफ करके लिखो। तो देखिए टोटल डिस्टेंस कितना था 9600 मीटर, तो आप यहाँ पे लिखें सॉल्यूशन लिखे टोटल डिस्टेंस 9600 मीटर। टोटल चिल्ड्रन कितने थे लिख लें टोटल चिल्ड्रन 16। पूछा गया उन्होंने पूछा है हाउ मैनी मीटर्स ईच चाइल्ड रन, तो आप आखिर में लिखेंगे ईच चाइल्ड रन। कैसे पता लगेगा, याद रखिएगा आपके इन क्वेश्चन में यानी इन पेजेस के अंदर जितने भी वर्ड प्रॉब्लम है सारे के सारे डिवीजन में, तो डिवीजन में आपके लेवल में क्लास फोर में आपको हमेशा इस तरह के डिवीजन मिलेगा जिसमें बड़ा नंबर जो है वो डिविडेंड होगा। ऐसी बात है टॉफीज 10 होंगी 15 होंगी तो मैं उनको दो बच्चों में 3 बच्चों में बांटूंगा, ऐसा तो नहीं है कि 10 टॉफीज को 20 बच्चों में बांट दूँ आधी आधी करके। इस तरह से आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा। तो हमेशा यहाँ पर जो आपका बड़ा वाला नंबर होगा ना वो होगा डिविडेंड, और डिविडेंड पहले आता है 9600 डिवाइडेड बाय, और जो दूसरा छोटा वाला नंबर होगा याद रखिए नंबर भी हमेशा इस तरह 16 नंबर नहीं लिखा हो, हो सकता है लिखा हो ईच चिल्ड्रन, तो ईच का मतलब होता है एक चिल्ड्रन, हो सकता है लिखा हो पेयर ऑफ स्टूडेंट, तो पेयर का मतलब होता है दो स्टूडेंट्स, वो आपने उसको पढ़ के पता लगा लिया। यहाँ पर तो इस बार नंबर लिखा हुआ है 16 का, तो आपने 16 लिख दिया। अब आपको 9600 को 16 से डिवाइड करना है, जो आंसर आ जाए वो यहाँ पर लिख देना, ठीक है जी। यहाँ पर साइड में 96 को 16 से आप डिवाइड कर लीजिएगा, आपको आंसर आएगा, वो आंसर यहाँ पर लिखिएगा। इसी तरह के आपको बाकी बहुत सारे वर्ड प्रॉब्लम्स मिलेंगे, ठीक है जी। अब हम बात करते हैं इस वाले क्वेश्चन की। कुछ क्वेश्चन आपको इस तरह से दिए, उसमें उन्होंने आपको बताया कि डिविडेंड ये है डिवाइजर ये है, लॉन्ग फॉर्म ऑफ डिवीजन से डिवाइड करके दिया। लॉन्ग फॉर्म ऑफ डिवीजन क्या होती है, इसी को लॉन्ग फॉर्म ऑफ डिवीजन कहते हैं। अगर मैं एक ही लाइन में लिखूँ तो वो लॉन्ग फॉर्म नहीं है, लेकिन अगर मैं इस तरह कंप्लीट डिवीजन लूँ तो वो लॉन्ग फॉर्म है। कैसे करेंगे, डिविडेंड जो होता है ना उसको हम इस तरह से बॉक्स बना के अंदर ले लेंगे, और जो डिवाइजर होता है ना ये वाला डिवाइजर उसे हम बाहर लिख लेते हैं। आप अब उसी तरह डिवाइड करने के जो तरीका है क्या, 17 के टेबल में 3 आता है, नहीं बेटा 39 या उससे कम आता होगा। अगर आपको टेबल याद हो तो बहुत आसानी से होगा, 17 2 का 34। अगर टेबल नहीं भी याद है तो 17 में 17 प्लस करके देखो, आपका टेबल ऑटोमेटिकली बनता जाएगा। 17 में 17 प्लस करें 34 आएगा, फिर 17 प्लस करें 51 आएगा, इस तरह प्लस करते हैं। 17 2 आया 34, माइनस किया 5 आया, फिर आपने इस 9 को नीचे लेकर आ गए जैसे डिवीजन का तरीका है, तो आया 59। अब 17 के टेबल में देख रहे हैं कि 59 का बात है, उससे कम क्या आ गया, 51 आएगा 17 3 का, बचा क्या 8। ये 8 जो है ना इसे आप कहते हैं रिमाइंडर, और जो ऊपर आंसर आया इसे आप कहते हैं क्वेश्चन। बस यही लॉन्ग फॉर्म ऑफ डिवीजन है, आप इस तरह डिवाइड करेंगे ये दो बातें लिखेंगे। फिर दो पेजेस पे आपको इस तरह का टेबल भी दिख रहा होगा, आपके इन पेजेस के दरमियान दो पेज में इस तरह का टेबल होगा जिसमें कुछ जगहों पे फिगर्स डली हुई होगी, जैसे यहाँ एक फिगर डली हुई होगी, यहाँ एक फिगर डली हुई होगी, और ऊपर लिखा होगा लुक क्लोजली एट द टेबल यू विल अंडरस्टैंड। तो आप इसको क्लोजली देखें तो आपको पता ये लगता है कि नहीं इन्होंने सिंपल टेबल लिखा, 10 1 10 10 2 20 एंड 3 30 फिर 4 5 6 7 8 नीचे तक हो जा रहा है। इसी तरह 20 का देखिए 21 20 22 40 पहले से लिखा हुआ 23 60। इस तरह से आप ये सारा टेबल कंप्लीट करेंगे, फिर नीचे कुछ सिंपल डिवीजन के सम्स दिए हैं वो करेंगे, इंशाल्लाह आपकी सारी जो क्वेश्चन है वो कम्प्लीट हो जाएंगे। बाकी इसमें कुछ नया नहीं है, जो क्वेश्चन थे मैंने आपको समझा दिया। अब आपने पेज नंबर 22 से लेकर 28 तक जितने क्वेश्चन थे वो सारे करने हैं इन वीडियोज़ की हेल्प से, आपको बात समझ आई।